अब सेंसरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे, सेंसरी ऑर्गन के बारे में जानेंगे हम लोग कि सेंसरी ऑर्गन में क्या क्या चीज होती है। कॉकरोच का अगर हम लोग कॉकरोच के सेंसरी ऑर्गन की बात करते हैं तो कॉकरोच के सेंसरी ऑर्गन में एक तो एंटीना, एंटीना के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बताया था मैंने कि एंटीना सेंसेशन ले वो इस तरीके से लगे रहते हैं। तो एंटीना के मैंने आपको बताया था कि एंटीना के तीन पार्ट थे, जो एक था स्केप, दूसरा पेडिसल और तीसरा फ्लैंज। एस फॉर स्केप, एस फॉर सॉकेट, जो सॉकेट में धंसा था वो स्केप था, उसके बाद क्या था, उसके बाद आपका पेडिसल था, और उसके बाद था फ्लैजलम। उसके बाद आंखों के बारे में अभी हम डिस्कस करें, मैजली पल्प, लेबलियल पल्प और सरकाई, ये सारे शब्द हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सरकाई क्या होता है, मैजली, ये सारी बातें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल हम लोग आंखों के बारे में जानते हैं। आंखें दो टाइप की होती है, पहले भी आपको एक बार बोला था आंखें दो टाइप, आप यहां से फिर से जान लो। आंखों में एक तो होता है सिंपल आई, दूसरी होती है कंपाउंड आई। पहली कौन सी होगी, सिंपल आई। कॉकरोच जो होता है उसे सिंपल आई से नहीं देखता है, सिंपल आई केवल नॉर्मल सेंसेशन देने का काम करती, देखा जाए इनका कोई वैसा देखने का कोई काम नहीं होता है, तो सिंपल आई। दूसरा नाम होता है ऑसिल आई और तीसरा नाम होता है फेनेस्ट्री। मैं बार बार बोलता हूँ, नाम से भी लगता है, सिंपल आई ऑसिल आई, मैचिंग कर रहा है ना, फीलिंग्स मैच कर रही ना, सिंपल आई ऑसिल आई, है ना। मैंने कंपाउंड आई, कंपाउंड आई जो होती है इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बना है। कंपाउंड आई की जो यूनिट होती कहलाती ओमेटिडिया। कंपाउंड आई की यूनिट क्या होती, ओमेटिडिया होती है। और अगर देखा एक आंख में लगभग 2000 यूनिट ओमेटिडिया पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, लगभग एक आंख में 2000 ओमेटिडिया पाए जाते हैं। बात आती है विजन की, विजन की बात करते हैं तो विजन दो टाइप का होता है, एक होता है एपोजिशन, एक होता है सुपर पोजिशन। पहले हम विजन जान लेते हैं फिर कॉकरोच के बारे में बताएंगे कॉकरोच में कौन सा होता है। तो मैंने कहा विजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एपोजिशन, एक होता है सुपर पोजिशन। एपोजिशन को मोजेक विजन भी बोल सकते हैं और ये दिन में देखने का काम आता है, जबकि जो सुपर पोजिशन होता है वो डिम लाइट में या नाइट में देखने का काम आता है। एपोजिशन इमेज कब बनती है, एक्चुअली क्या है कि जैसे पिगमेंट की सीट पाई जाती है कॉकरोच की आंख में, जैसे कॉकरोच में एपोजिशन या मोजेक विजन का आपको शायद याद होगा, मैंने रिवीजन जब करा रहा था तो मैंने एक शब्द बोला था ABCDM। क्या बोला था, ABCDM, ए फॉर एपोजिशन, बी फॉर ब्राइट लाइट, सी फॉर क्लियर इमेज, डी फॉर डे टाइम, एम फॉर मैजिक विजन। मैंने कहा था जो दिन वाले एनिमल्स में मोजेक विजन होता है, रात वाले में क्या होता है, सुपर पोजिशन। परंतु कॉकरोच एक ऐसा है, दिन हो या रात उसमें एपोजिशन ही बनेगा। क्या बनेगा, एपोजिशन ही बनेगा, ये कॉकरोच की खूबी होती है। फिलहाल मैंने बोला एपोजिशन है, मोजेक विजन कहा है, डे टाइम है, ओमेटिडिया कवर्ड बाय पिगमेंट मेम्ब्रेन या पिगमेंट से। ओमेटिडिया पे क्या होती है, पिगमेंट की सीट बनती है, सेवरल पीस। अब इसमें क्या होता है, इसमें इमेज कैसे बनती है, जैसे हम लोगों की आंखों में इमेज कैसे बनती है, इन रियल और इन्वर्टेड बनती है। शायद पहले आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा हो, हम लोगों की इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड, मतलब कि सामने वाला बंदा पूरा देखेगा मगर उल्टा, फिर नर्वस सिस्टम उसको सीधा करके दिखाएगा, तो रियल और इन्वर्टेड बनती है। मगर कॉकरोच के केस में एपोजिशन का मतलब क्या है, इसमें पिगमेंट की सीट होगी, जैसे ये चीज है तो इसके ऊपर हम पिगमेंट की सीट डाल दें चार पांच, तो इतनी सी जगह भी छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में नजर आएगी, मतलब कि इमेज जो बनेगी पहले छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में बनेगी, फिर पूरा होकर एक नजर आएगा। तो जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, जो इमेज बनती है छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में बनती है पिगमेंट सीथ के कारण। हाँ, अगर इसका पिगमेंट सीथ हटा दिया जाए, कॉकर बात किया जाए कि अगर ओमेटिडिया से जो मैंने कहा कि पिगमेंट सीथ को अगर हटा दिया जाए, पिगमेंट की मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए, तो कॉकरोच की भी इमेज कैसी हो जाएगी, सुपर पोजिशन हो जाएगी। नॉर्मली कैसी होती है, एपोजिशन होती है। तो एपोजिशन कब बनता है, दिन में, सुपर पोजिशन कब बनता है, रात में। जो नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं उनमें सुपर पोजिशन काम करता है, और जो दिन वाले डायर्नल एनिमल होते हैं, दिन वाले एनिमल होते हैं उनमें एपोजिशन काम करता है। एनिमल का मतलब इंसेक्ट वगैरह की बात हो रही, परंतु कॉकरोच नॉक्टर्नल होके भी उसमें कौन सा बनता है, एपोजिशन या मोजेक विजन का फॉर्मेशन होता है। तो इतनी बात ही मैंने लिखी है, हम लोग थोड़ा सा ओमेटिडिया वगैरह का स्ट्रक्चर देख लेंगे और कॉकरोच के बारे में कुछ बातें और डिस्कस करेंगे। ये देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, देखो एक नजर आप लोग बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हम लोग जो सेंसरी ऑर्गन डिस्कस कर रहे हैं उसमें मैंने एक फिगर और बनाया है इस तरीके से। अगर हम लोग देखें तो कॉकरोच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉकरोच को मैंने एक शब्द बोला था ABCDM। ABCDM का मतलब ए फॉर एपोजिशन, बी फॉर ब्राइट लाइट, मतलब सी फॉर क्लियर इमेज, डी फॉर डे टाइम, एम फॉर मोजेक विजन। मतलब कि जो एपोजिशन इमेज है वो ब्राइट लाइट, चमकदार लाइट में क्लियर इमेज बनती है, दिन के समय बनती है, और मोजेक विजन ये मोस्टली इंसेक्ट में ऐसा देखा गया। परंतु मैंने लिखा इन कॉकरोच मोजेक विजन या एपोजिशन इमेज फॉर्म ड्यूरिंग नाइट, चूंकि कॉकरोच नॉक्टर्नल होता है इसलिए कॉकरोच में एपोजिशन इमेज
कब बनती है? नाइट बनती है, बहुत ढंग से ध्यान देना है। नॉर्मली नाइट में, नाइट वाले एनिमल्स में, नाइट वाले जो इंसेक्ट वगैरह उनमें कौन सी बनती है? सुपर पोजिशन। परंतु कॉकरोच में कैसी बनती है? एपोजिशन बनती है। पॉइंट फिर मैंने लिखा, इट हैज मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेवोल्यूशन। ये टर्म भी याद रखना, इसमें सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी जो ज्यादा होती है, जबकि आपका रेजोल्यूशन क्या होता है? कम होता है। फिलहाल ये पॉइंट याद रखना, यही आते हैं। ये सब क्वेश्चन तो आता नहीं, पर फिर भी मैं समझा देता हूं, अगर बाई चांस आ जाए तो आप कर सको। ये मैंने क्या किया, आपका फिगर बनाया है ओमेटीडिया, मतलब कि आंख का सेक्शन करके देखते हैं, ओमेटीडिया का सेक्शन करके देखते हैं। उसके बारे में अगर फिगर के बारे में देखें तो सबसे पहले जो एक फिगर बनाया है, सबसे पहले ऐसे मैंने सेल बनाई जिसको बोलते हैं कॉर्नियल सेल। क्या बोलते हैं? कॉर्नियल लेंस, सॉरी लेंस। ये क्या हो गया? लेंस हो गया। लेंस के नीचे क्या पाई जाती है? सेल्स पाई जाती है। सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉर्नियाजन सेल्स बोलते हैं। और ये क्या करती हैं? लेंस का सिक्रीशन यही सेल्स करती है। लेंस के नीचे जो सेल्स होती है, सबसे पहले ऊपर मैंने लेंस बनाया ओमेटीडिया का, और लेंस के नीचे क्या बनाई? सेल्स बनाई। सेल्स जो क्या करती है, वही सिक्रीशन करती है। किसका? कॉर्नियल लेंस का सिक्रीशन कौन करती है? कॉर्नियाजन सेल्स करती है। और इन सेल्स के चारों तरफ, अगर देखा जाए इनके सेल के अंदर तरफ, ये चीज देख रहे हैं, कॉर्नियाजन सेल्स हो गई। फिर इनको अब इसके अंदर की तरफ, यहाँ पे मैंने लिखा है इसके नीचे की तरफ, कॉर्नियाजन सेल्स के नीचे की तरफ पाया जाता है क्रिस्टलाइन कोन स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन कोन। और क्रिस्टलाइन कोन को कवर करती है चार सेल होती है, कोन सेल। दो सामने दिख रही है और दो अंदर की तरफ होती है, ध्यान देना। दो ये सामने दिख रही है, एक और एक, दो दो पीछे की तरफ होती है। टोटल चार सेल होती है, नीचे मैंने सेक्शन करके दिखाया है। फिर इसके नीचे एक स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन कोन के नीचे, जिसे बोलते हैं रेबडोम। और रेबडोम के आसपास जो सेल्स होती हैं, ये अंदर रेबडोम हो गए, रेबडोम को कवर करती है, उस सेल का नाम होता है रेटिकुलर सेल। कौन सी सेल होती है? रेटिकुलर सेल। अब यहाँ पे मैंने लिखा आयरिस पिगमेंट सीट। यहाँ पे अगर ओमेटीडिया में दो टाइप के पिगमेंट सीट पाए जाते हैं, एक होता है रेटिनुलर पिगमेंट सीट, तो एक होता है आयरिस पिगमेंट सीट। एक आयरिस पिगमेंट सीट होता है, रेटिनुलर पिगमेंट सीट होता है। ये दोनों, ये फिगर देखोगे, एक नजर शांत दिमाग से देखोगे, समझ में आ। जैसे मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने इतना कट करके देखा, मैंने ये एरिया पहले कट किया, ये कैसे आखिरकार कौन सेल चार नजर आए? तो जब इस एरिया को कट किया तो बाहर की तरफ कौन सा पिगमेंट है? तो ये मैंने आयरिस पिगमेंट बनाया। बाहर कौन सा पिगमेंट बनाया? मैंने आयरिस पिगमेंट बनाया। फिर मैंने क्या किया, ये देखा जाए बीच वाला स्ट्रक्चर कौन हो गया? बीच वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाया है? जल्दी बोलो। इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन कोन। क्या बोलेंगे? मैं शॉर्ट में यही लिख देता हूं। ये क्या हो गया? क्रिस्टलाइन कोन हो गया। क्रिस्टलाइन कोन के आसपास कितनी कौन सेल हो गए? एक दो तीन चार। ये टोटल कितनी कौन सेल हो गए? चार कौन सेल हो गए। आ गया बात समझ में? उसके बाद देखो, अब पहले मैंने ये वाला सेक्शन कट के देख लेता, इसका फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया ये वाला। अब मैं इस एरिया को कट करके देखू, इसको कट करता हूं, तो सबसे पहले क्या है? रेटिनुलर पिगमेंट सीट है। तो ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने रेटिनुलर पिगमेंट सीट बनाया बाहर की तरफ। उसके बाद देखो आपका ये सबसे अंदर क्या बनाया मैंने? रेबडोम। ये रेबडोम हो गया। रेबडोम के आसपास मैंने बताई थी रेटिकुलर सेल होती, कितनी होती है? एक दो तीन चार पांच छह सात, ये सात सेल। इस पे क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन किस चीज पे आता है? पहले बोल चुका हूँ, कॉकरोच का विजन कैसा होता है? नॉक्टर्नल होता है कॉकरोच, एपोजिशन और मोजेक विजन होता है कॉकरोच की आंख की। यूनिट का नाम क्या होता है? ओमेटीडिया। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो डिटेल बस मैंने ऐसे ही बता दी, पर फिर भी आप लोग एक नजर देख लेना, कोई दिक्कत हो तो हमसे डिस्कस कर लेना। देख लो अच्छे से बच्चों, कोई भी दिक्कत हो रही हो। ये हो गया सेंसरी ऑर्गन। आप लोग पढ़ेंगे कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम।